अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और आज नी वीडियो लैके आए हैं तुहाडे वास्ते बागसर झील नी। बागसर झील जनाब सिदेड़ी और बागसर ने दरमियान रोड ने किनारे एक मुकाम है। और मजीद दसा मनाजर अंदर जुड़ गया दसा और दस चुनो कि अगे जो रोड तो हम नज़र आ रही है ये बागसर एरिया जा रही है। और इस साइड तो अस आए हाँ समाणी वाले पासों जनाब बागसर झील पहुँचे हाँ। और मजीद मनाजर असं तुम अंदर जुड़ गया दसने तो चलिए फिर इधर पीछे रह जा पीछे पर ना बने वीडियो बना ही नहीं होगा। जी इस वक्त जिहड़ा तुसीं मंजर स्क्रीन पर देखने हो पे ये बागसर किले ने मुकाम तो झील ना वीडियो ली गई है। और इतनी ऊंचाई तो झील ना मंजरा जिहड़ा देखो तुसीं कितना खूबसूरत नज़र आ रहा। और इस पासे बंडाला वादी है जिहड़ी वो तुसीं नज़र आ रही है बड़ी खूबसूरत। जी नाजरीन असं पहुँच आए हैं इस वक्त बागसर झील ने अंदर एक छोटा जहा पार्क बनाया ने साइड से इतना पहुँच आए हैं। और पार्क का दरवाज़ा इतों से अंदर हो गए नाल ही वाशरूम बने ने और जितने वाशरूम की सहूलत मौजूद है। इधर फिर तुम देख सकते हो झूले वगैरह लगे हैं बहने की जगह है झूले इधर लगे हैं तो साइडा नहीं जनाब चारदारी वगैरह बनी है इतने। और रुकावटा साइड तो नज़र आ रही है बाढ़ ये झील ने बिल्कुल चौतरफा बाढ़ है उसने नाल खूबसूरत एक ट्रैक बनया जिते झील ने बिल्कुल चारों तरफ तुम पैदल चल सकने हो ट्रैक कर सकने हो। और झील नहीं इस वक्त दरम्यान जो हालत है थोड़ी ख़राब ही है क्योंकि मट्टी और पौधे जंगली दरख्त बहुत ज़्यादा हैं पानी भी है और बतखान कुछ और जंगली परिंदे मौजूद हैं। तो अगर तुम फैमिली नाल आने हो बच्चे आने नाल तो बच्चे ने जनाब इतने इंजॉयमेंट वास्ते जगह मौजूद है बैठने नहीं झूले मौजूद हैं जितने बच्चे आने जनाब खेल कूद कर सकने। तो इस जगह की सब तो खूबसूरती और बेहतरीन नफासतली गल है भला बिल्कुल हर तरफ पहाड़ मौजूद हैं जो अगे क्लिप देखोगे या तुम देख लेने क्लिप पहाड़ चारों तरफ मौजूद हैं। और दरम्यान एक प्लैन वादी है सिविल आबादी ने भी कोल घर जो आम आबादी कोल रहनी है। और तुम इतने जनाब खूबसूरत वीडियो बना सकने हो फोटो बनाओ इतने तुम जनाब गर्मिया नहीं शामा च आ गया बवो ठंडी ठंडी हवा बहुत ठंडी जगह है। तो उम्मीद है कि तुम लाजमी इस जगह ना विजिट करोगे तो अज नी वीडियो ना अस इस्तेमाल करने जनाब
बहुत शुक्रिया।